और भाई क्या हाल चाल है। वेलकम टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हेयर माय नेम इज़ ठाकुर मनी एंड यू आर वाचिंग पंजाबी इन जापान। तो यार न्यू डे न्यू बिगनिंग, लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करा कुछ नया सीखना तो आज से क्यों अपने आप को चैलेंज नहीं करते, कुछ नया सीखो, इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन द फ्यूचर। जैसे कि मैंने शुरू करा यूट्यूब स्टार्टिंग से, स्क्रैच से, मेरे को भी कुछ नहीं आता था पर मैंने शुरू करा। तो यार चलो इसके साथ मैं बताता हूँ आज की वीडियो किसके बारे में होने वाली है। यार आज की वीडियो में अगर आपको पता होगा मेरे साथ आंकू रहता था पहले, और आंकू चले गया अपना वापस, उसका ऑफिस वगैरह शुरू हो गया है, और एक चीज़ रह गई है उसका थोड़ा बहुत सामान रह गया था। यहाँ पर सूट वगैरह रह गए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर उसका सूट वगैरह पड़ा है, सूट पड़ा है और एक बैग पड़ा, उसका थोड़ा सामान रह गया था। तो आज का फिलहाल प्लान यही है कि हाँ भाई हम आंकू को पोस्ट ऑफिस सामान पोस्ट करते हैं। या जापान के पोस्ट ऑफिस की मेरे को सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि मतलब कि आपने कोई सामान जापान के अंदर कोई पोस्ट वगैरह करना है तो आपका सामान जो है अगर आप आज पोस्ट ऑफिस में देके आते हैं तो आपका सामान नेक्स्ट डे आपकी डिलीवरी प्लेस पे होएगा, मतलब कि जिसको आप भेज रहे हैं उसको मिल जाएगा। तो मैं अभी जो अंकू का सूट वगैरह रह गया और उसका बैग वगैरह रह गया मैं आज पोस्ट करूंगा, एंड अंकू इज गोइंग टू रिसीव द पार्सल टुमारो, मतलब कि कल उसको मिल जाएगा पार्सल, विच इज़ रियली गुड एंड इट्स रियली फास्ट सर्विस, बिकॉज ऑफ विच अ लॉट ऑफ कस्टमर्स आर हैप्पी टू यूज देयर सर्विस। तो चलो यार फिलहाल अपना पार्सल पोस्ट करते हैं जाके पोस्ट ऑफिस में जाके। और उसके बाद यार शॉन भाई का भी आज प्लान था टोक्यो से यहाँ पर मेरे को मिलने आने का, तो अभी फिलहाल चलते हैं अपना पार्सल पोस्ट करने और मैं आपको मिलता हूँ शॉन भाई के साथ वहाँ पर जाके और मिलवाता हूँ शॉन भाई से। अगर आपको शॉन भाई के बारे में याद नहीं है तो मैंने बीच की वीडियो डाली थी, बीच इन जापान, अगर आपने नहीं चेक करी तो हेयर्स द लेक ऊपर आई वाला आइकन आ रहा है, वहाँ पर जाके इस वीडियो के बाद वो वाली वीडियो जरूर चेक करना अगर आपने नहीं देखी, इट्स रियली अमेजिंग। तो चलो यार विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट द सिनेमैटिक्स, और चलो यार चलते हैं थोड़ा पोस्ट वगैरह करके आते हैं और उसके बाद शॉन भाई से भी मिलवाता हूँ मैं आपको। सो लेट्स गो। फाइनली यहाँ पर हम आ चुके हैं, शॉन भाई भी आ चुके हैं। अभी हमारा क्या सीन है, अभी यहाँ पर हम शॉपिंग वगैरह करने आए हैं, शॉन भाई ने थोड़े कपड़े वगैरह लेने थे अपने लिए। तो यार फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं, अभी हम यहाँ पर शॉपिंग करने आए थे तभी मैंने मास्क वगैरह पहना हुआ है, ऊपर कर लेता हूँ ताकि मैं भी इन्फेक्टेड ना हूँ और बाकी मेरे आसपास वाले पर्सन भी सेफ रहे, उनसे मैं भी सेफ रहूँ। तो अगर आप देख सकते हो वहाँ पर शॉन भाई पीछे खड़े हैं, यहाँ पर हम शॉपिंग करने आए हैं। शॉन भाई ने मेरे को रिक्वेस्ट करी थी कि हाँ भाई सबको यार थोड़ा दिखा दे यहाँ पर शॉपिंग मॉल में आए यहाँ पर बिलिंग सिस्टम क्या कैसा होता है। यार यहाँ पर स्पेशल बात क्या है, यहाँ पर सारे मतलब जो कपड़े वगैरह होते हैं वो एक बकेट में डालते हैं, जैसे आप मेरे पीछे देखते हो ये बकेट पड़ी हुई है, इस बकेट में डालेंगे हम सारे कपड़े वगैरह और सारे ले जाएंगे अपना बिलिंग काउंटर पे, वहाँ पर रखेंगे, कोई मतलब कि वहाँ पर अटेंडेंट वगैरह नहीं होता, बस हमने रखना होता है कपड़े वगैरह और वहाँ पर हमारे सारे बिल वगैरह आ जाता है टोटल होके। चलो मैं आपको वो बिलर सिस्टम वगैरह दिखाता हूँ ताकि आपको एक बेटर आइडिया हो जाए कि वहाँ पर कैसा होता है। सो लेट्स गो, और आपको मॉल के अंदर भी थोड़ा अपने सिनेमैटिक्स वगैरह में दिखा देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ का मॉल कैसा है। अब ये मैंने आपको बताया नहीं इस मॉल का नाम क्या है, इस मॉल का नाम है यूनिक्लो। यूनिक्लो इंडिया में भी इसकी ब्रांच है कुछ, और ये मेन जापान का मॉल है,
चलो यार, ये थोड़ा सा आपको मैंने गाइडेंस दे दी कि इस मॉल में आया हूँ मैं आज, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बिलिंग सिस्टम वगैरह कैसा होता है। तो लेट्स गो। तो यार यहाँ पर अभी हम बिलिंग काउंटर पे आए, यहाँ पर अच्छी बात क्या है, यहाँ पर शॉन भाई के पास ये अभी बकेट है जिसमें सारे कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं, इसके अंदर सारे कपड़े वगैरह हैं। अभी शॉन भाई इसको अपना प्लीज प्लेस द बकेट वहाँ पर रख देंगे जहाँ पर बिलिंग सेक्शन वगैरह होता है। भाई इसको बकेट के साथ ही रख दो, इसको बकेट के साथ ही रख दें, और आप देखो भी यहाँ पर अभी हम करेंगे बिलिंग सिस्टम स्टार्ट, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कोई अटेंडेंस वगैरह नहीं होता और सारा बिल इसके ऊपर आ जाएगा। लेट मी शो यू, ये देखो अगर आप देख सकते हो तो सारी चीज़ों का 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः चीज़ों का बिल सारा टोटल होके यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर ये बड़ी अच्छी बात है यार, यहाँ पर बिलिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। सो दिस वॉज द थिंग आई वॉन्टेड टू शो यू गाइज। तो ये था यार अपना यूनिक्लो मॉल। यूनिक्लो मॉल के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये बहुत ही बड़ा ब्रांड है जापान में, जो इसका ओनर है, कंपनी का ओनर है यूनिक्लो का, वो जापान का रिचेस्ट पर्सन है, वो वर्ल्ड के भी मोस्ट रिचेस्ट पर्सन की टॉप लिस्ट में आते हैं जो यूनिक्लो ब्रांड का ओनर है। और इसके अलावा जो यूनिक्लो ब्रांड है उसकी ब्रांचेस इंडिया में भी है, मतलब उसके शॉपिंग मॉल्स इंडिया में भी है, जैसे कि मुंबई और दिल्ली में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको यूनिक्लो वगैरह देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही बढ़िया यार, यूनिक्लो इज़ नोन फॉर इट्स क्वालिटी। और मैंने आज आपको दिखाया यहाँ पर बिलिंग सिस्टम वगैरह, नॉर्मली जापान के शॉपिंग मॉल्स में ऐसे ही बिलिंग सिस्टम वगैरह होते हैं ताकि कस्टमर वगैरह का टाइम बचे। और इसके साथ ही अगर आप अपनी कंपनी में किसी को हायर वगैरह करते हो तो उसको बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं, जापान में भी इंडिया में भी काफ़ी पैसे पे करने पड़ते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज परस्पेक्टिव और कस्टमर परस्पेक्टिव दोनों का ही टाइम भी बचा रही है, मनी भी बचा रहा है। तो यार शॉन भाई भी आए हुए हैं जैसे कि आपको पता है, और इसी के साथ हम कल घूमने जाने की भी सोच रहे थे कहीं पर बात ये है कि अभी द प्लेस इज़ नॉट डिसाइडेड येट, तभी मैं आपको अभी कुछ बता नहीं सकता। पर कोई बात नहीं, प्लेस ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अराउंड 5-10 मिनट्स वी आर गोइंग टू सर्च ऑन गूगल एंड कोई बढ़िया सी जगह मिल जाएगी हमें, एंड वी आर गोइंग देयर टुमारो। सो कल की वीडियोज़ में आपको दिखाऊंगा मैं कि कहाँ घूम के आया। तो यार दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे, कल आपको घुमाने लेके चलते हैं। यार अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि आपको पता चले व्हेनेवर आई अपलोड माय न्यू वीडियो। चलो यार दिस वॉज फॉर टुडेज वीडियो, विद दैट सेड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। Girls with the nails done.